तो स्टूडेंट, आज हम लोग समानांतर श्रेढ़ी के इंट्रोडक्शन पार्ट के तीसरे वीडियो को देखेंगे, जिसमें योगफल यानी एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि एपी का व्यापक रूप होता क्या है, तो ए प्लस डी एपी का दूसरा पद है, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी। इसी प्रकार इस एपी का अंतिमा पद एल, अंतिम पद को एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमें सम फाइंड करने हैं। तो अंतिम पद से पहले वाला जो पद है क्या होगा, तो एल माइनस डी, उससे पहले वाला पद क्या होगा, तो एल माइनस टू डी। ओके, इस पूरे के सम को हमें फाइंड करने हैं। यहां एक पद, दो पद, तीन, चार, पांच से लेकर एन पदों तक का योगफल हमें फाइंड करने हैं। योगफल को हम लोग इंग्लिश में सम कहते हैं, तो एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एन पदों का योगफल है, तो एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग को बनाना है जो एपी के एन पदों के योगफल को दर्शाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको व्युत्क्रम में, यानी उल्टे क्रम में, यानी अंतिम पद को पहले, फिर उसके पहले माने उससे ठीक पहले वाले पद को उसके बाद अरेंज करेंगे, और सबसे अंतिम में फिर प्रथम पद को लिखेंगे। इस तरह से हम लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे फिर एल, उसके बाद एल माइनस डी, उसके बाद एल माइनस टू डी, उसके बाद एल माइनस थ्री डी। इसी प्रकार जब हम सबसे अंतिम में क्या लिखेंगे, तो ए, उसके पहले क्या लिखोगे, तो ए प्लस डी, इसके ठीक पहले क्या लिखेंगे, तो ए प्लस टू डी, सो ऑन। हमें निकालना है एस एन का वैल्यू। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एस एन और एस एन ऐड होगा तो टू एस एन होगा। ओके, एस एन प्लस एस एन तो टू एस एन। ए प्लस एल प्लस, इस दोनों को ऐड करना है, तो ए प्लस डी प्लस एल माइनस डी, इस दोनों को ऐड करना है, तो क्या होगा, ए प्लस टू डी प्लस एल माइनस टू डी, इस दोनों को ऐड करना है। तो लिखते हैं कितने टर्म को लिखा जाए, सारे टर्म को नहीं लिखकर दो दो से तीन टर्म को लिख दिया, लास्ट का दो टर्म लिख लेते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, एल माइनस डी प्लस ए प्लस डी। लास्ट वाला क्या होगा, एल और ए को ऐड करेंगे तो एल प्लस ए। अच्छा, एस एन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि एस एन रिप्रेजेंट करता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी प्लस डॉट 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 प्लस एल को रिप्रेजेंट करता है, यानी एस एन रिप्रेजेंट करता है एपी के एन पदों के योगफल को। तो टू इंटू एस एन, यहां गिवेन है हमको एस एन फाइंड करने हैं, तो टू तो जाएंगे डिवाइड में, तो बाद की बात है, हम टू बाद में ले जाएंगे नीचे। तो ए प्लस एल, यहां डी से डी कटेगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल। यहां टू डी से टू डी कटेगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें जब हम देखते हैं, तो एल डी से डी कटेगा, क्या बचेगा, तो ए प्लस एल। इसमें तो बचा, इसमें भी बचा हुआ है एल, ए प्लस एल। तो हम देखते हैं कि सभी पद, पहला पद हो चाहे दूसरा पद हो, तीसरा पद हो, चौथा हो, चाहे एनवा पद हो या एनवा पद से पहले वाला पद, यानी सारे के सारे पद ए प्लस एल को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इस एपी में एनो का एनो पद ए प्लस एल है। तो कुछ एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं, जैसे अगर हमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 कितने बार लिखे गए हैं, तो 5 बार, 1 2 3 4 5, इसको हमें ऐड करने हैं। तो 2 लिख लिए, 2 कितना बार लिखा गया है, 5 बार,
तो गुना पांच कर लेंगे यानी गुना करेंगे तो दस होगा, यानी इस दो जितने बार जो पांच बार लिखे गए हैं सभी को जोड़ने पर दस आएगा। जोड़ लेते हैं तो टू प्लस टू फोर, फोर टू सिक्स, सिक्स टू एट, टू एट, एट और टू टेन, आ गया टेन। अगर इसी प्रकार टेन या इलेवन कॉमा इलेवन कॉमा इलेवन कॉमा इलेवन कॉमा टेन टाइम्स या इलेवन टाइम्स, यानी 11 को हमें 11 टाइम्स लिखकर उसको ऐड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहा जाता है 11 इंटू 10 कर लो या 11 इंटू 11 कर लो यानी 121, यानी इसको ऐड करने पर 121 आएगा। तो हमें यह बात समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे उस फॉर्म में अगर कोई भी सीरीज होगा। तो यहां a प्लस l, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहां a प्लस l कितने माने ऐसे पद है जिसमें a प्लस l है, n पद है। अगर हम इस एनो पद को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे वहां पर दो 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 अगर पांच को संग मैंने पांच बार लिखा गया, अगर हम जोड़े तो क्या हुआ, तो दो गुने पांच हुआ। तो ए प्लस एल कितना बार लिखा गया है, तो एन बार लिखा गया है। तो इस पूरे को जोड़ने जोड़ेंगे तो एन इंटू ए प्लस एल होगा। एन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो पदों की संख्या को। यहां कितने पद है, तो एक दो तीन, ये डॉट 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 का मतलब अनंत, मैंने यहां पर बहुत सारे पद हैं। तो यहां तीन डॉट 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 दे दिए, फिर ए प्लस एल, ए प्लस एल, तो ये पूरे मिलाकर एन पद होंगे, क्योंकि यहां एन पद हमने लिखा था। ये एल अंतिम पद को रिप्रेजेंट करता है या एनवा पद को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पूरे के सम को क्या लिखेंगे, तो ए एन इंटू ए प्लस एल। अब चलिए, यानी कि हमारे हमने क्या फाइंड किया, तो टू एस एन इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस एल। यहां से अगर हम लोग एस एन ज्ञात करेंगे तो एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होगा, यानी ये एपी के एन पदों के योगफल को रिप्रेजेंट करता है या योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। एपी के एन पदों के योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, जैसा कि बी नो डेट एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दें, यानी एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ए तो ठीक है, एल के जगह पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम लोगों ने पुट किया, तो क्या होगा, ए प्लस ए तो टू ए, यानी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये भी एपी के एन पदों के योगफल का फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दोनों एक ही फॉर्मूला है। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा जो जो मान उसके अनुसार हम फॉर्मूला का सिलेक्शन करेंगे और उस फॉर्मूला का उपयोग कर एन पदों के योगफल को हम ज्ञात करेंगे। तो ये एपी के एन पदों के योग ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया, यानी ये दो फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल या एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ और फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग फाइंड करेंगे। क्या होगा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, का योग हम लोग प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल निकालते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्या क्या क्या होगा, तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा डॉट 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 एन। ये देखो एपी को रिप्रेजेंट करता है, तो टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, सो ऑन। इसी प्रकार जब चेक करोगे तो इसका सभी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर वन ही होगा। तो इसका प्रथम पद यानी ये एपी हम लिख सकते हैं, एपी बराबर ये प्रथम पद को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर वन। फिर डी जो होता है सर्व अंतर होता है, डी बराबर क्या होगा, तो किसी भी एपी के सर्व एपी में सर्व अंतर निकालने होते हैं तो कोई दो क्रमागत पद लेते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम घटाते हैं तो सार्व अंतर निकलेगा, यानी टू माइनस वन यानी वन। और इस एपी का एनवा पद एन ही है, यानी हम कह सकते हैं कि एल बराबर एन अंतिम पद मतलब एन। ओके,
कितने पदों का योगफल निकालना है, एन पदों का। तो एस एन हम लोग को फॉर्मूला फाइंड करना है, एस एन बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ओके, यानी एन के जगह पर तो एन ही रहेगा, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए ए भी ए का वैल्यू क्या है वन, तो वन लिख लिए। एल का मतलब एन, अंतिम पद क्या है तो एन है, तो हम यहां एन लिख लिए। एन प्लस वन को हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी एपी के यहां एपी नहीं प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। एन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो पदों की संख्या को, या एन पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल कुछ हम समझते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये प्रथम, एक बात हमें याद रखना है, इस बात को हमें याद रखना है, प्रथम मैं लिख रहा हूं, ये नहीं समझना है कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से इनफाइनाइट तक अगर लिख दिया जाए या हंड्रेड तक लिख दिया जाए तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम सम ज्ञात कर सकते, ऐसा बात नहीं है। प्रथम से दस पद हो, आठ पद हो, पचास पद हो, सौ पद हो, जितने भी पद हो, उसका वैल्यू हमें फाइंड करने होंगे, तो हम ये इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, या डायरेक्ट हम उस फॉर्मूला का भी यूज करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो और आसान होगा क्वेश्चन बनाने में, यानी कि कहिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना इससे आसान हो जाएगा। एन का मतलब पदों की संख्या, तो क्या वो पद है, तो आठ, एन का वैल्यू एट, बस। यानी एस एन हमको निकालना है, इसका योगफल, जहां एन है वहां आठ पुट करो, आठ आठ जोड़ एक नौ, आठ गुने नौ एट इंटू नाइन बाई कितना, तो टू, तो टू से हम इसको डिवाइड करेंगे फोर टाइम्स, फोर को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सिक्स, अब जोड़ कर देख लो कि 36 आता है कि नहीं, टू और वन थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स और फोर टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन सिक्स कितना ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और सेवन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और एट थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स आ गया। अगर हम यहां वन टू थ्री फोर कॉमा डॉट 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 टेन लिख लें, अब कहें कि इसको जोड़ कर बताओ, तो बाकी अगर उस फॉर्मूला का यूज भी किया जाए तो जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है जो नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर हमको समझ में आ गया इस फॉर्मूला में क्या करना है, कि जितना पद होगा उतना गुने उतना जोड़ एक, यानी जितना पद है उतना प्लस वन बाई टू, तो कितने पद है दस, तो दस गुने जितना पद है उतना प्लस वन, तो यानी ग्यारह बटा दो, दो से काटोगे तो पांच बार, पांच और ग्यारह गुना करोगे तो पचपन, यानी इसका योगफल पचपन होगा। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी क्वेश्चन को, इस फॉर्म का जो भी क्वेश्चन हो उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी किसी, मैंने कभी हमें ऐसा कहा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, या प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है, तो 20 गुने क्या हो जाएगा, तो 21 बटा 2, यानी कि इसको जब हम कैंसिल करेंगे 10, यानी 210 हमारा आंसर होगा। यानी प्रथम से 20 प्राकृत संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो 210 आएगा। ओके, तो इस फॉर्मूला का आप लिख लोगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसे में दूसरे बात को पढ़ते हैं। प्रथम इन प्राकृत संख्या की जगह पर अगर हम पूर्ण संख्या लिख लें, पूर्ण संख्याओं का योग। चलिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 कहां तक, तो एन तक। कुल कितने पद है, तो एन पद है, एन का मान तो एन ही है, तो एस एन हमें फाइंड करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एन तो एन, बाई टू तो ठीक है, ए के जगह पर हम जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो जीरो ही रहेगा ना, जीरो प्लस एन, यानी एन, एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर बाई टू। पहले चेक करते हैं सही है या गलत है। अगर हम जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर को हमें ऐड करने हैं तो थोड़ा देखिए क्या होगा। ठीक है, एक दो तीन चार पांच पद है, तो पांच का स्क्वायर 25 बटा दो, पांच का स्क्वायर 25 बटा दो, जो कि गलत बात होगा, यहां देख लो 25 बटा दो आंसर नहीं आएगा, चार तीन सात आठ नौ एक दस। तो यहां पर हम लोग को करना क्या है, इस बात को समझना है। हम लोग यहां एस एन इक्वल टू फॉर्मूला ये यूज करो, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं।
एंथ, ठीक है एन बाई टू ही रहेगा, ए के जगह पर क्या पुट करना है, जीरो, तो जीरो इंटू टू तो जीरो, एन माइनस वन तो रहेगा, एन का वैल्यू एन, डी का वैल्यू क्या है, तो सार्व अंतर यहां वन है, वन इंटू वन यानी एन बाई टू, एन माइनस वन इंटू वन तो एन माइनस वन, यानी हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, यानी अगर प्रथम 10, अगर मान लो कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कहेगा, तो कहां से कहां तक होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक होगा, 10 पूर्ण संख्या, एक 0 हमने ऐड कर लिया, 0 पूर्ण संख्या में आता है, तो 0 से अगर काउंटिंग करोगे तो 9 तक ही 10 डिजिट हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला का हमको यूज करना है, n के जगह पर कितना लिखना है 10, या चलिए पहले हम लोग कम का यूज करते हैं ताकि इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर सही है या नहीं समझ में आ जाएगा। प्रथम 1, 2, 3, 4, 5, 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो यहां पर फॉर्मूला के अनुसार 5 गुने कितना करोगे, तो 5 माइनस 1 4 बटा 2, 2 से इसको काट लो, दो बार में 5 गुना 10, जोड़ कर देखो 10 आएगा, 4 3 7 8 9 1 10, 10 जोड़ 0 तो 10, इस फॉर्मूला का आप लिख सकते हो। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, यानी हम लोग जितने भी फॉर्मूला है इसी दो फॉर्मूला का यूज करके हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, यानी प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और यही अगर प्राकृत संख्या था तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला था। चलिए अब नेक्स्ट को हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम एन सम संख्या, सम संख्याओं का योग, चलिए तो सम संख्या पहले लिखते हैं जो कि एपी को ही रिप्रेजेंट करेगा, सबसे पहला छोटा सम संख्या 2 है, फिर 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, इसी तरह एन, ए का मान क्या है तो 2, डी का मान क्या है तो 2, एन मान एन क्या है तो एन ही रहेगा, चलिए ऐसे निकालते हैं, तो ए प्लस एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला का यूज कीजिए, तो n बाई टू तो ठीक है 2 इंटू टू, यहाँ a के जगह पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू टू यानी 4, n तो n ही रहेगा, n माइनस वन इंटू टू, एन माइनस वन इंटू टू तो क्या हो जाएगा n बाई टू, 4 माइन प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस टू, यहाँ पर क्या होगा 4n, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी एन बाई टू 2n प्लस 2, इस दोनों में से 2 हम कॉमन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बाई में, तो क्या हो जाएगा n बाई टू, सॉरी बाई में नहीं आएगा, 2 जब कॉमन निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 2 इंटू एन प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, यानी n इंटू एन प्लस 1, यही हमारा फॉर्मूला हो गया Sn इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला हो गया। ये क्या कैसे फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह आपको रिप्रेजेंट करता है कि प्रथम एन सम संख्याओं का अगर योगफल ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, अगर प्रथम 5 सम संख्या का यूज करना हो तो 5 डालो, तो 5 गुने 6 सिंपल कर लो ना, 30 आंसर आएगा, चेक कर लो, 2, 4, 6, 8, 10 इसको जोड़ के आप देखो 30 आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां 4 और 2 6, 6 12, 12 8 20 और 10 30, देखिए हम लोगों ने इस फॉर्मूला का यूज किया तो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। तो प्रथम एन सम संख्या का जब भी बात करें तो हम लोग कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो एन इंटू एन प्लस वन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहां सम के जगह पर हम लोग विषम के लिए फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, तो जैसा कि हमें पता है प्रथम एन विषम संख्या क्या क्या होगा, एन मैंने यहां 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 कॉमन डॉट 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 एन, यहां ए का वैल्यू क्या होगा 1, ए इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू क्या होगा तो 3 माइनस 1 2, एन का वैल्यू तो 1 ही है, एन ही है, तो यहां एस एन हमें फाइंड करना है, एन बाई टू इंटू टू ए, एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2, एन बाई टू 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, एन बाई टू इंटू टू एन,
टू से टू कैंसिल, एन स्क्वायर, यानी एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यानी प्रथम एन विषम संख्याओं का अगर योगफल ज्ञात करना है तो हमें एन स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करना है। मतलब क्या, मान लो कि प्रथम सात विषम संख्या, प्रथम सात विषम संख्या का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो सिंपल जितने विषम संख्या का योगफल निकला उतना का स्क्वायर कर दो, 49, ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हुआ है, 12। अब इस पूरे को आप ऐड करोगे, यानी प्रथम सात, प्रथम यहां सात विषम संख्या हो गया ये, तो प्रथम सात विषम संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो 49 आएगा। जोड़ लेते हैं, ये प्रथम सात विषम संख्या, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 और 1, 4, 5, 4, 9, 9 और 7 जोड़ोगे 16, 16 और 9 जोड़ोगे 25, 25 और 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 36, और 10 46 और 3 49। अगर यही दे दिए प्रथम चार विषम संख्या का योगफल तो 16, चेक कर लो, प्रथम चार विषम संख्या है, 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9 और 7, 16, डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज एपी, आज इस वीडियो में एपी का जो भी इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो जाता है, खत्म होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एपी से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज होंगे उसको पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।